आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पितृमास्या पर ज्ञात अज्ञात पितरों और ऐसे पितरों जिनकी तिथि की जानकारी नहीं होती उनका तर्पण किया जाता है। अमावस्या पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए काफी है। पितरों को तर्पण करने के लिए यमुना मैया में तमाम लोग डुबकी लगाते हुए नजर आए। यमुना नदी में डुबकी लगाने के साथ ही सभी ने पितरों को तर्पण किया। पितृ अमावस्या पर पूर्वजों को तर्पण किया जाता है, यानी कि श्राद्ध। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा पूर्वक किया गया काम, अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक भोजन दिया जाता है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको तर्पण किया जाता है। भारतीय परंपरा में ये प्राचीन काल से यानी कि सदियों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। जन्मदाता माता पिता की मृत्यु उपरांत लोग विस्मत ना करें, इसीलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्वनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमे हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं यानी कि तर्पण करते हैं। पितृ अमावस्या पर उन पूर्वजों को तर्पण किया जाता है, याद किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि के बारे में जानकारी नहीं होती है। भूले बिखरे पूर्वजों को याद किया जाता है, उनको तर्पण किया जाता है। नदियों के घाटों पर पितृ अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और पितरों को तर्पण करते हैं। आगरा में यमुना के घाटों पर पितृ अमावस्या पर भारी भीड़ रही। हाथी घाट पर नजारा अलग। इस बार यमुना मैया लबालब भरी थी। बरसों बाद ऐसा मौका आया है जब पितृ अमावस्या पर यमुना के दोनों छोर पानी से लबालब हो। बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगा रहे थे और पितरों को तर्पण कर रहे थे। ये ऐसा है कि हमारे पूर्वज हैं, उन्हें तारने के लिए भागीरथ जी के जो पूर्वज थे वो सारे हड़गंगा का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं हुआ तो भागीरथ ने तपस्या की। उसके बाद ये अपने पूर्वजों को निहारने के लिए 16 कनारत की तैयारियाँ की उन्होंने, और वहाँ से ऋषिकेश से हड़गंगा से देवप्रयाग से सब गंगाओं बहनों ने मिलकर के ये उद्धार किया हमारे संसार का, जिससे हमारे जो बड़े बूढ़े हैं पूर्वज हैं उनको यहाँ से हम जो भी देते हैं वो प्राप्त होता है। और ये साल में केवल 16 दिन आते हैं ऐसे जिसमें हम अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं, और उद्धार करने से ही बच्चों के आगे सारे प्रावधान बनते हैं, तरक्की होती है। हम जो खिलाते हैं वो हमारे माता पिता है, पूर्वजों का जो दिया हुआ है वो सब लगता है इन बच्चों को भी। भारतीय संस्कृति परंपरा में पितृ अमावस्या का विशेष महत्व माना गया। लोग अपने पितरों को याद करने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए यमुना के घाटों पर पहुंचे, डुबकी लगाई और उसके बाद तर्पण किया। लोगों का मानना है इसका अपना विशेष महत्व, पितरों को याद करने के लिए पितृ अमावस्या का विशेष महत्व। पितरों को भोजन कराया जाता है। लोगों का कहना है यदि हम पितृ अमावस्या पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको भोजन कराते हैं और उसका असर परिवार के लोगों पर पड़ता है, जीवित लोगों पर पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है अगर ये नहीं होता तो हमारी आत्माओं को प्राप्त करने की कोई शांति नहीं मिलती, हमारे पूर्वजों को कोई जन्म नहीं मिलता। गंगे जमने नर्मदे गोदावरी कालिंद्रे, ये 5 बहनें हैं जो सारी दुनिया को विवरण में दिखाती हैं, वो इसी बात का दिया जाता है कि हमारे पूर्वजों पर सारी जैसी भी आपत्तियां आई हैं वो हमारे बच्चों पर नहीं आए, और सब कृपा दृष्टि भगवान की हो। श्राद्ध का प्राचीन काल से महत्व माना गया। तमाम वेद पुराणों में भी श्राद्ध का जिक्र है। पितरों को तर्पण करने का जिक्र वेद पुराणों में दिया गया है। सदियों से लोग श्राद्ध करते चले आ रहे हैं। त्रेता युग की बात की जाए, सतयुग की बात की जाए या फिर द्वापर की बात की जाए, युधिष्ठिर ने भी श्राद्ध किया था। मेरे पिताजी का पहला श्राद्ध था और माता श्री का भी था, इसलिए पहले मैं पानी देने आया हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है अमावस्या का दिन करने में। कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है जीवन के लिए, सुख शांति के लिए, इनका आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। इसके बाद जो भी बनेगा फकीर फुकरों को भोजन कराया जाएगा, उसको आनंद मिलता है। पूरे सेवा भाव के साथ लोगों ने यमुना के घाटों पर डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और पितरों को भोजन कराया। दौर बदल गया है लेकिन परंपराएं आज भी कायम है। तरीके बदल गए हैं लेकिन लोग आज भी पितृ अमावस्या पर यमुना के घाटों पर पहुंचते हैं, डुबकी लगाते हैं और अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।